बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अभी तक नवाज़ शरीफ की वापसी और इमरान ख़ान की साइफर केस में कमीशन के सामने बातचीत और उसकी तहकीकात, ये दोनों मामलात बड़े टॉप पे मौजूद हैं और सियासी हल्के ये कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ पॉइंट स्कोरिंग में थोड़ा सा इमरान खान से सबकत ले जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि वो तीन चार बार पहले भी इकतदार में रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब रहे हैं तो विनर से, तो वो ये समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ, सियासी जमातों के साथ, इवन दैन खुद पार्टी के लीडरों के साथ किस तरह डील करना है। वो कि उन्होंने कई बार खुद कुछ हमले किए हैं लेकिन फिर भी वो बच निकलते रहे हैं। अभी एक बार फिर डील की बातें हो रही हैं और डील का मतलब ये है कि ढील की बातें हो रही हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान हो या नवाज शरीफ हो, दोनों सजा याफ्ता है। अगर एक को ढील दे दी जाएगी तो दूसरे के लामाला जो सपोर्टर्स और वर्कर्स हैं वो शोर करेंगे, वो एहतजाज करेंगे कि ये कहाँ का इंसान, कि एक तरफ तो अदालतें लग रही हैं जेल के अंदर और मन घड़ित किस्म के मुकदमात बना के तो पीटीआई की क्यादत को पसे दीवारी जिंदान कर रहे हैं। पीटीआई की क्यादत इस वक्त इमरान खान के अलावा शाह महमूद कुरैशी और चौधरी परवेज राई है, दोनों इमरान खान के साथ सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हैं और तमाम तर मुकदमात को बड़ा खंदा पेशानी के साथ फेस करें और किसी किस्म के उनके पाए इस्तकामत में लर्जिश नहीं है। दूसरी तरफ भी इसी तरह का आलम है, राणा सनाउल्लाह को इस्तकबाली कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया है जो इंतजाम करेगी मियां नवाज शरीफ के लाहौर में पहुँचने पर इस्तकबाल के। और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मरियम नवाज साहब को ये टास्क सौंप दिया गया है कि वो पब्लिक को अवेयर करें, उनको जोश जज्बा उनके अंदर उजागर करें और रब्ता मुहिम जो है उसको तेज़ करें। अब ये काम तो शुरू हो गया उसके अंदर, अपना लाहौर से शुरू हो गया, लेकिन लाहौर के जलसे के अंदर एक अनहोनी हो गई है कि कुछ लोगों ने वहाँ पर कप्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए जिससे लीगियों की नींदें हराम हो गई। इमरान खान का जो बयानिया है वो बच्चे बच्चे की ज़बान पर है और उसको रोकना ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी दर्दसर बना हुआ है और सियासी जमातों के लिए भी, खुसूस पीडीएम की सियासी जमातों के लिए तो खासा दर्दसर बना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो जिसके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी खुद को ये तसव्वुर कर रहे थे कि वो आइंदा इलेक्शन के नतीजे में मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे, इक्तदार की इस दौड़ में वो कहीं पीछे दिखाई देते हैं और अब वो गिले शिकवों और धौंस धांधली धमकियों पर उतर है। वही दोनों पार्टियां मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी जो एक ज़माने में एक दूसरे के मद्दे मुकाबल थी, मुकदमात भी कायम किए, इल्ज़ामात भी लगाए, एक दूसरे को जेलों में भी भेजा, फिर एक ऐसी स्टेज आई जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में जब उन्होंने देखा कि हमारे तमाम तर रास्ते सियासत के जनरल साहब मसदूद कर रहे हैं तो वो दुबई के अंदर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम पर इकट्ठे हो गए और वहाँ पे उन्होंने ऐलान किया कि हम बैन और भाई हैं। बैन भाई का सिस्टम कुछ अर्सा चलता रहा, बिल आखिर बैन जो है वो जामे शहादत नोश कर दी तो भाई जान आ गए आसिफ अली सरदारी साहब। अब आसिफ अली सरदारी साहब नवाज शरीफ को बड़े भाई कहते हैं
तो बड़े और छोटे भाई का खेल शुरू हो गया। वो 15-16 महीने की एक जायंट गवर्नमेंट भी चलाई और उसके अंदर कुछ डिलीवर भी ना कर सके। अब जब हुकूमत ख़त्म हो गई तो वो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम की बौछाड़ करने लगे और ये कहा कि हमारे मिनिस्टर तो बिल्कुल पावरलेस थे, तमाम तार इख्तियार तो मुस्लिम लीग नवाज़ के पास थे, वज़ीर आज़म होता था, वज़ीर ख़ज़ाना होता था, लेकिन आवाम जो है वो इनकी किसी रीजनिंग को सुनने के लिए तैयार नहीं है और ना ही उस पर यकीन करते हैं। पीपल्स पार्टी के इस वक्त बहुत बड़ी मुश्किल ये है कि उसे खुद सिंध कार्ड को बचाने में भी दिक्कत हो रही है और पंजाब, जनूबी पंजाब, सेंट्रल पंजाब, फिर KPK, फिर बलूचिस्तान, उसके अंदर अपने वोटर्स को इंटैक्ट रखना भी एक चैलेंज है। और महंगाई, बेरोज़गारी और ये जो एलिमेंट्स हैं वो हुकूमत में रहते हुए भी इनका हल नहीं निकाल सके। अब तो वो ज़ाहिर है कि इक्तदार से ही बाहर है, वहाँ सुबह में निगरान होते हैं और वो जो एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी है उसके मुताबिक वो डिलीवर कर रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बलदियाती जो उम्मीदवारान उनके कामयाब हुए हैं वो अक्सरियत में है सिंध के, यानी मेयर्स, डिप्टी मेयर्स, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और मखसूस किसान सीटों पे, खातिन सीटों पे और कौंसल सभा, यूनियन कौंसल के नाजमीन वो बिलावल साहब से मिले हैं, कट हुआ है उनका। और उन्होंने ये गिला शिकवा किया है कि इलेक्शन कमीशन ने उनके फंड्स रोक रखे। ये तो बात बनती हुई है कि जब इलेक्शन के लिए निगरान हुकूमत बन जाती है तो तमाम तरक्याती मंसूबे और रूटीन के काम, बल्दियात के, वो सारे रोक दिए जाते हैं, इसलिए ताकि उन वसाइल का, सरकारी वसाइल का सियासी जमातें बेदरेक इस्तेमाल ना करें और उस उन वसाइल की बुनियाद पे, बंदर पांड की बुनियाद पे वो अपना वोट बैंक ना बढ़ा लें। वो जो मुंतखब अरकान हैं बल्दियात के, वो उन्होंने बड़ा रोना धोना किया है बिलावल भुट्टो साहब से कि जी ये तो बड़ी जाती है, हमारे हाथ काट दिए गए हैं तो हम क्या डिलीवर करेंगे। तो बिलावल भुट्टो ने उनको थपकी दी है कि नहीं नहीं, आप अपनी जदोजहद जारी रखें और हमें इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ा इस मकसद के लिए तो हम जाएंगे और फुकरा की खिदमत भी हासिल करेंगे। अब यह है कि बिलावल भुट्टो को या पीपल्स पार्टी की क़यादत को इस अमर से आगाह होना चाहिए कि जब निगरान सेटअप बन जाता है, रेगुलर हुकूमतें ख़त्म हो जाती हैं तो तमाम तर फंड्स जो है वो सीज कर दिए जाते हैं ताकि उनका गलत इस्तेमाल ना हो और इलेक्शन कमीशन की गैर जानबदारी पर कोई हर्फ ना आए। तो वो कैसे कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट कैसे उनको रिलीफ देगा, ये एक अलग मामला है। भारत जब वो जाएंगे और उसकी प्रोसीडेंस भी सामने आएंगी तो देखते हैं कि क्या होता है। दूसरी तरफ काजी फायज ईसा साहब लगे हैं, सो फिर एक बार फिर वही जो मामला है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कानून साजी कर उसकी समाअत करेंगे और देखते हैं कि वहाँ पर जो मुख्तलिफ फरीकैन के जवाब आए हैं उनकी क्या पोजीशन है और ख़ुद जजेस जो है वो इसके ऊपर क्या राय बनाए बैठे हैं। मेरे ख्याल में कि कल की इस प्रोसीडिंग्स के बाद काफ़ी सारा माहौल क्लियर हो जाएगा कि अदालत किस तरफ जा रही है और वो कैसा फैसला देने के मूड में है। लेकिन नवाज शरीफ है कि वो तैयारियों में मसरूफ़ हैं पाकिस्तान आने के लिए और उनकी पार्टी के अलग बहुत सारे जिम्मेदारान ये कहते हैं कि माजी में इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मियां नवाज शरीफ के साथ बहुत ज़्यादतियाँ की गई और अब वक्त आया है कि इन ज़्यादतियों का अजाला किया जाए और अजाला इसी सूरत में मुमकिन है कि उन्हें मियां नवाज शरीफ को
लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम की जाए, और इससे बढ़ के ये है कि वो जो सियासी सरगर्मियाँ और कंपेन चलाएं उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। अब कुछ सियासी हल्के ये कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ चूँकि मियाँ नवाज शरीफ की डील हो गई है तो उन्होंने उनको ये ढील दी है कि ठीक है वो आ जाए, और एक बड़ी पार्टी के चूँकि वो सरबराह है तो उनके आने से ये होगा और इलेक्शन जीतने से ये होगा कि मुल्क की बागडोर एक बार फिर तजर्बाकार हाथों में आ जाएगी। हालांकि तजर्बाकारों ने ये 15 महीने के अंदर अवाम की ख्वाहिशात और तवक्कोआत का खून किया है। ये उसी टीम का हिस्सा थे जो जिस टीम के सर पे मियां नवाज शरीफ है, वो कुछ नहीं कर सके। हिसाबदार भी बस ज़बानी जमा खर्च करते रहे और अमलन वो भी कुछ नहीं कर सके। हालांकि जो डिफॉल्टर्स का घेरा तंग करना और उनसे रिकवरी कराना और स्मगलिंग को रोकना और बहुत सारे ऐसे मामला, वो जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बड़ी खुश असलूबी से वो सेट कर लिए। और जो डॉलर का मामला था जो कि 15 माह के दौरान ऐसा डार तो उसको कंट्रोल नहीं कर सके, लेकिन जनरल सैयद आसिम मुनीर ने उसको कंट्रोल किया। इस वक्त डॉलर 240 पे जा पहुँचा है, बहुत बड़ी चेंज है, और रुपया हमारा मुस्तकम हो रहा है, ये खुशाइन बात है। अब ये देखना है कि आगे चल के कल कलां फिर जब मुंतखब हुकूमत आती है तो क्या आवाम उससे तवक्कोआत रख रहे हैं कि वाकई उसमें कोई फ़र्क होगा बाकी हुकूमतों के मुकाबले में, या वो भी उन्हीं हुकूमतों का एक तसलसल होगा। तो मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा है, दानिश्वर तबका और सियासी तजियाकार अपने अपने तरीके से अपने अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, अपने तबसरे शेयर कर रहे हैं मीडिया के अंदर, और आवाम की भी राय बन रही है कि उनको इलेक्शन के अंदर किस अंदाज से कैसा रोल अदा करना है। सिर्फ नारेबाजी की तरफ नहीं जाना बल्कि ठोस हकाइक की तरफ जाना है, और अमली इकदाम करने वाले लीडरों को सपोर्ट करना है जो कल मुल्क और कौम की किस्मत के फैसले कर सके और उनके नताइज मुस्बत बराबर। बाकी ज़्यादा कि इमरान खान के ट्रायल का ताल्लक है तो उसमें भी बहुत सारी तजावीज़ और बहुत सारी र्यूमर सुनने को मिलती है। आज की सबसे बड़ी र्यूमर ये थी कि जी बैकडोर जो रबते हो रहे हैं उनमें एक तजवीज़ ये भी है कि इमरान खान अपनी ख्वाहिश के मुताबिक किसी दूसरे मुल्क चले जाएं और हुकूमत जो है उनको फैसिलिटेट करे, यानी एक तेरा तैयार खड़ा है, सिर्फ देर इस बात की है कि इमरान खान हाथ करें। और इमरान खान को जो ज़ाती तौर पर जानते हैं, वो साफ़ी हों या सियासतदान हों, कोई भी, उनका ये वजदान कहता है कि इमरान खान मरता मर जाएगा लेकिन मुल्क से बाहर नहीं जाएगा। इसलिए कि वो एक असूल पसंद आदमी है और अपने असूलों पर उसने आज तक कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। अब ये एक अलग मामला है कि उसको जिस अंदाज से ज़हनी अज़ियत और जिस्मानी अज़ियत दी जा रही है, यकीनन वो बड़े दिनों से डिस्टर्ब भी है, और ऊपर से मुकदमात के हवाले से तहकीकात भी हो रही है, और सुनने में ये आया है कि साइफर केस के हवाले से कोई 28 के लगभग वादा माफ गवाह भी तैयार कर लिए। अब अगर वो वादा माफ गवाह पेश हों और उनके बयान रिकॉर्ड किए जाए तो यकीनन जो केस के फैसला है उस पर वो असरअंदाज होंगे, और ज़्यादातर जो है वो कानूनी हल्के भी यही कह रहे हैं कि इमरान खान के लिए इस केस से निकलना खासा एक दुश्वार गुजार काम है, और ये भी इम्कान है कि वो इस केस के अंदर ही एक बार फिर सजा याफ्ता हो जाए। तो इस तरह की चीज़ें हैं, और फिर अडाला जेल के बाहर जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं वो भी गैर मामूली है, और इसके बावजूद ये भी सुनने में आ रहा है कि इमरान खान को जहर देने की कोशिश की जा रही है। ये एक अलमिया होगा कि इतने बड़े लीडर को अगर जेल के दौरान
असैसिनेट कर दिया गया किसी भी तरीके से, तो फिर हमारे हुक्मरानों के लिए उस सारे मामले को संभालना इंतहाई मुश्किल, और उनके लिए ये भी बात चैलेंज होगी कि आप पीटीआई का जो रिएक्शन है उसको कहाँ ले गए हैं। अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा हादसा पेश आ जाए, लेकिन इम्कान तो मौजूद रहते हैं, इसलिए कि इमरान खान की सेहत जो है वो दिन ब दिन गिरती जा रही है, ना उन्हें आराम है, ना खाने पीना इंसान के मुताबिक हो रहा है, और फिर जेल नाम ही ऐसा है कि इंसान उसमें रहता है, टेंशन में रहता है, और साथ साथ तहकीकात भी हो रही हो तो कुछ साथियों को उठाया जा रहा हो, कुछ को गायब किया जा रहा हो, किसी के खिलाफ बर्बाद हो और दूसरे लोगों को अदालतों में पेश किया जा रहा हो, तो ये एक खासा तकलीफ दह होता है और इंसान ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब भी होता है। लेकिन इमरान खान चूँकि बुनियादी तौर पर स्पोर्ट्स मैन है और उनके असाब बड़े मजबूत हैं, अभी तक तो वो बड़ी जवान मर्दी के साथ इन सारे मामलों को हैंडल करते आ रहे हैं, आगे देखिए कि वो क्या करते हैं और किस अंदाज से ये सारा जो पीरियड है इसको गुजारते हैं। इजाज़त से होगा, मिलते हैं अगले महीने।